इस क्षेत्र से हमारे विधायक रहे आदरणीय श्री शर्मा जी, हमारे काउंसलर रामराज जी, ओबीसी के हमारे चेयरमैन साहब चौधरी विजेंद्र जी जो निगम पार्षद रहे हैं, और आप सभी साथी जो यहाँ पे आए हैं। इस समय आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से क्या हालत बनी हुई थी, और इसमें एक पुलिस वाले की भी जान गई, इसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, धार्मिक स्थल भी जलाए गए, पत्रकारों को भी पीटा गया, दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, मतलब एक बर्बादी की ओर दिल्ली को ले जाने की पूरी कोशिश हो गई। लगातार हिंसा को बढ़ावा दिया गया, खुली छूट दी गई, और ऐसे समय में हमको क्या करना है ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, दंगों के घाव जो दिलों पे लगते हैं वो सालों साल रहते, मिटते नहीं। आप तो वर्षों से हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे, जैसे रामराज तिवारी जी ने कहा, आपने भी उस ओर इशारा किया, विधायक जी ने भी किया, सब लोग यहां मिलकर साथ रहते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। और यहां पर जितने भी लोग बयान दे रहे हैं उनके इनके बयान से साबित हो रहा है कि बाहरी लोगों ने आके यहां बवाल किया, जिनकी पहचान नहीं हो पाई कौन से लोग हैं, कहां से आके ये बवाल कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र के लोग मिलके, हम लोग आपस में मिलके, जो सालों साल एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुए हैं, एक दूसरे के मरने जीने में शामिल हुए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय की ओर से निकल के भड़काने की कोशिश करें उसको मुसलमान रोकें, हिंदू समुदाय की ओर से कोई निकल के दंगा फसाद भड़काने की कोशिश करें उनको हिंदू समुदाय के लोग, हम सारे लोग जो यहां पे हैं मिलकर वो लोग, हमको सबको ये मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, एक सामूहिक प्रयास। किसी भी तरह से हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, ये बापू का देश है, और बापू ने कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, एक आंख के बदले दूसरी आंख होड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी इलाके की सुरक्षा करें। मैंने देखा कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से प्रयास किया। हम सबकी जिम्मेदारी है अपने भाइयों की रक्षा करने की, हिंदू हो मुसलमान हो, कहीं किसी की दुकान जलाई जा रही हो, कहीं किसी के ऊपर हमला किया जा रहा हो, कहीं कोई हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही हो, कृपा करके रोकिए। हम दिल्ली को और बर्बाद होने नहीं देना चाहते, हम दिल्ली में और सब कुछ नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज आप लोग इकट्ठा हुए, मुझे बताया भाइयों ने कि चौधरी वीरेंद्र जी ने बहुत, ब्रिजेंद्र जी ने कोशिश करके लोगों को बचाया, उनको निकाला, सबने प्रयास किया, आप लोगों ने ये प्रयास आगे भी जारी रखिएगा, सजग रहिएगा, सजग रहिएगा, होशियार रहिएगा। कहीं भी कोई बात समझ में आती है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, विधायक जी को सूचना दीजिए, तिवारी जी हैं इनको सबको सूचना दीजिए, विजेंद्र जी को हमारे पास सूचना दीजिए, हम लोग बात करेंगे, पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत करेंगे, इलाकों में भेजेंगे। अभी जैसे बताया कि कुछ एरिया में अभी डिस्टरबेंस है, तो वहां भी मैंने बात की रंधावा जी से, जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं, कि भाई आप वहां पर फोर्स भेजिए एक्स्ट्रा और उसको रोकने का पूरा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अब जो समय बचा है, हिंसा को किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं देना है, रोकना है, सौहार्द को कायम करना है, भाईचारे को कायम करना है, अपनी एकता को बचाए रखना है। बहुत बर्बादी हो चुकी है, और ये जो दिलों के घाव पहुंचे हैं ये जल्दी नहीं मिटेंगे, ये बहुत सालों साल लगता है। हम अभी उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई हम दिल्ली को फिर से 84 नहीं बनने देना चाहते हैं, हम दिल्ली के अंदर फिर से कोई फसाद, हिंसा, दंगे की स्थिति नहीं होने देना चाहते। इसलिए सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है एकजुट होकर, एक साथ मुट्ठी बांध के, हिंदू मुसलमान सब, हिंसा को रोकिए, दंगे को रोकिए, फसाद को रोकिए, नफरत को रोकिए, अपनी एकता का परिचय दीजिए।
अपने भाईचारे का परिचय दीजिए, सालों साल जो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुए हैं उसको याद कीजिए, एक दूसरे के त्योहारों में जो आप शामिल हुए हैं उसको याद कीजिए। ये देश एक खूबसूरत देश है, ये दिल्ली बहुत खूबसूरत दिल्ली है, इसको हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। ये गांधी का देश है, यहां हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। और क्या हासिल हो जाएगा, कोई एक को मारेगा, फिर दो को मारेगा, फिर कोई चार को मारेगा, फिर कोई आठ को मारेगा, इसका अंत कहां है, कहां रुकेगा ये सब कुछ, इसका कोई अंत, कोई सीमा है इसकी? और बार बार लोगों ने बताया कि बाहरी लोगों ने आके यहां हमला किया, फसाद किया, दंगा किया, नफरत फैलाई। तो अब जो जिम्मेदारी है आप सब लोग लीजिए, एक दूसरे के संपर्क में रहिए, और अब किसी भी प्रकार की हिंसा इस क्षेत्र में मत बढ़ने दीजिए। कोई भी सूचना आपको मिलती है जहां आपको लगता है मेरे हस्तक्षेप की जरूरत है, मुझे तुरंत बताइए, हम लोग पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे और किसी भी तरह से हिंसा नहीं होने देंगे, दंगा फसाद और नहीं होने देंगे। बहुत हो चुका, 3 दिन हो गए ये पूरा तांडव चल रहा है। तो जैसे अभी साथियों ने बताया कि आप लोगों ने प्रयास करके बहुत लोगों की जीवन रक्षा की, दुकानें बचाई, आगे भी इसके लिए सजग रहिए, एक रहिए, एकजुट रहिए, और कोई भी आपको सूचना मिलती है तो तुरंत बताइए, उसको आगे पुलिस वालों को जानकारी दी जाएगी। इसको अब आगे किसी भी तरीके से हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हम लोग इसको मिलजुल कर एक साथ मिलकर रोकने का काम करेंगे। और एक टीम भी आपस की बना लीजिए, 5-6 लोगों की, जिसके पास, जिनके फोन नंबर सबके पास हो, कोई अगर सूचना आती है तो एक दूसरे को आदान प्रदान हो जाए या व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाए। हम इतनी बड़ी बहुमत से जीते हैं, हो सकता है उसकी वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो सकता है कि उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमको उनको भी समझाने की कोशिश करनी है, उनको भी रोकना है। इससे किसी का भला नहीं है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दंगे फसाद से, हिंसा से किसी का भला नहीं होना है। और जैसे मैंने कहा कि इसका तो कोई अंत नहीं है, एक के बदले दो मारो, दो के बदले चार मारो, चार के बदले आठ मारो, आठ के बदले 16 मारो, इसका अंत क्या है? क्यों हम दिल्ली को ऐसे बर्बाद होने देंगे? तो इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि आप सजग रहिए, एकजुट रहिए, एक रहिए और शांति बहाने के लिए पूरा प्रयास कीजिए। भूपेन्द्र जी भी आ गए, सब लोग लग के, और इसके लिए रविंदर ने जैसा बताया कि बाहरी लोग थे, तो कौन लोग थे उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ये भी बताया गया जो सीसीटीवी लगे थे उसको भी तोड़ दिया, तो सारे सीसीटीवी तोड़ दिए क्योंकि कोई रिकॉर्ड न मिल पाए। तो अब मैं आप लोगों के संपर्क में रहूंगा और आगे भी कोई किसी भी तरह की जानकारी होती है आप मुझे बताइए। भूपेन्द्र जी,